इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की मुहिम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रही है, और इस दौरान बहुत सारी जगहों पर बुलडोजर चला था जिनमें कुछ खानाबदोश थे, कुछ गुज्जर बकर वालों के डोके टूटे थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से वजाहत आई और फिर दोबारा सियासत भी उस पर तेज हुई। लेकिन अब बड़ी खबर जो आ रही है वो इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में अब फॉरेस्ट राइट एक्ट का नफाज अमल में लाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आला सतही मीटिंग हुई है और इसमें फैसला किया गया है कि कानून के नफाज के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। खाना बदोशों की आबादी जम्मू कश्मीर में तीसरे पायदान पर है, एक बड़ी आबादी, और उनके हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए जहां पर मरकज की तरफ से गुज़श्ता बरस से उन्हें तमाम उनके हुकूक को तहफ्फुज़ देने की बात हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस कानून के सही नफाज को न लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद सरकार का एक और वर्जन सामने आया। और ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब गुलिस्तान न्यूज पर भी पिछले तीन रोज से लगातार इससे जुड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, और कार्रवाई भी मुतलका महकमे की तरफ से अंजाम दी गई थी जम्मू और वादी के अंदर, जिसके बाद काफी ज्यादा सवाल इस कार्रवाई पर उठाए जा रहे थे। और उसके बाद खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया और सवाल उठाए जाने के बाद इसके जवाब में आप एक बड़ा वर्जन कि जल्द फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज हो जाए। जम्मू कश्मीर में हकूकी जंगलात कानून नाफिज, मकीनों के हक को 2006 के कानून के तहत तहफ़ुज़ फराहम किया जाएगा। एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जो आसिफ अभी बता रहे थे 2011 के सेंसस को जब आप खोल कर देखेंगे तो गुज्जर बकरवाल जो है वो आपको तीसरी बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर दिखेगी सेंसस 2011 के हिसाब से। और इस एक्ट के निफाज के बाद अब माना जा रहा है कि बहुत सारी मुश्किलें जो इस वक्त तक पेश आ रही थी वो हल हो सकती है, और पिछले 12-13 साल से लगातार इस कानून के निफाज और इस कानून के हवाले से बातें जो थी वो कही जा रही थी। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों महबूबा मुफ्ती पहलगाम गई, जिसके बाद ताबड़तोड़ हमले उनने मरकजी हुकूमत पर किए। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का आला सती वफ़ ज़ेर क़यादत मियाँ अल्ताफ अहमद साहब पहलगाम चले गए, उन्होंने भी गुजर तबके के लोगों के साथ बात की और अपनी बात उन्होंने वहां पर भी रखी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो एक्ट अब सामने रखा गया है जिसमें डेडलाइंस भी दे दी गई है, जोनल कमेटियां बनाने की बात कही गई है, इसके बाद क्या सारा मामला हल होगा, ये बड़ा सवाल है। इसको जानने के लिए हमारे साथ दो बड़े मेहमान हैं जो दोनों इस कानून को भी समझते हैं और इनकी हकूक की लड़ाई भी लड़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ साबिक वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर मोस्ट लीडर मियाँ अल्ताफ अहमद साहब इस वक्त कंगन से ज्वाइन किए हुए हैं। मियाँ अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज्वाइन करने के लिए। आप खुद भी गए थे इससे पहले, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी गई थी, और लगातार सवालात पूछे जा रहे थे कि आखिर ये ऐसा बिलडोजर जो चलाया जा रहा है, एनक्रोचमेंट ड्राइव जो की जा रही है, ये दरअसल उस कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है जो हकूक तहफ़ुज़ फराहम किए गए थे, और अदालत आलिया की तरफ से जो डंडा चलाया गया था वहां तक ये बताने के लिए कि हम एनक्रोचमेंट को खत्म कर रहे हैं, उन लोगों पर बिलडोजर चलाया गया जिनके मालिकाना हक पहले भी रियासती कानून के तहत थे, और अगर मरकज का कानून का इतलाक होता है तो और ज्यादा बेहतरी के साथ उनके हक नुमाया होंगे। अब जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, रात देर गए चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में मीटिंग, जोनल कमेटियां डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाने का फैसला, अब आप इस कानून को कैसे देखते हैं, क्या अभी भी तहफ़ुज़ात हैं आपके कि इसके बाद भी कुछ और हो सकता है? बिल्कुल, हमारे तो खदशात मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे ये सारा मामला जो है ये हुकूमत की तरफ से ही उठाया गया। पहले एक बात मैं जो है वो वाजिया करना चाहता हूँ कि जो हमारे गुजर बकरवाल हैं रियासत में, ऐसा नहीं है कि सब लोग जो हैं वो जंगलात की ज़मीनों पे रहते हैं। रजौरी पुंछ का एरिया अगर आप ले लेंगे तो वहाँ 2% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास जंगलात की, सब लोगों के पास अपनी मलकियत की ज़मीन है। कश्मीर वैली में या जम्मू में कुछ जगहों में सिलेक्टेड जगहों में सिलेक्टेड एरियाज में कुछ लोग पिछले 50 साल से 60 साल से जिनके पास जंगलात की जमीन है, किसी के पास 5 कनाल है, 2 कनाल है या 10 कनाल है, तो ये लोग आराम से रह रहे थे, इनको कोई छेड़ नहीं रहा था। इनके साथ साथ जो लोग दूसरे भी गाँव में रहते हैं, दूसरे तबकों के लोग हैं, चाहे कश्मीरी बरादरी के लोग हों, पहाड़ी लोग हों, या इवन जम्मू में राजपूत लोग हों, कोई हर तबके का आदमी रह रहा था पिछले कई सालों से, तो ये खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और इनकी जो पार्टी यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में बीजेपी, उनकी तरफ से छिड़ा गया। और जब पिछले साल रियासत को तोड़ा गया और यूटी बनाया गया तो जम्मू कश्मीर के तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स में पेड एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट ने की कि
पिछली हुकूमतों ने यहाँ ये फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं किया था, तो इस कानून इस सेंट्रल लॉ को अब यूटी बनने के बाद हम लागू करेंगे और इनका अब कोई मसला ही नहीं रहेगा। ये जहाँ जाते हैं ये ज़मीनें इनके नाम हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, जो पिछली ज्यादतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, इनको मालकाना हकूक मिल गए मिल जाएंगे। तो पिछले एक साल से कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई, कहा भी हुकूमत ने, पेड एडवर्टाइजमेंट भी खुद की, इसकी पब्लिसिटी भी खुद की, और उसके बाद फिर बहुत सारी जगहों में तंग किया गया। ये पहलगाम का मामला तो न्यूज में आया, हम मीडिया के मशहूर हैं आप लोगों के, तो ये सारा मामला दोबारा शुरू हुआ। इससे पहले भी इस साल बहुत सारी जगहों में लोगों को तंग करना शुरू किया। अब जब परसों ये इतना प्रेशर आया, मैं भी कल गया और सब लोगों ने कहा कि जहां इनको गिरा रहे हैं ये तो मौसमी सीजनली आते हैं अपनी भेड़ बकरियां लेके, तो इन कोठों को गिरा के ये क्या करेंगे। तो जब ये मामला सारा हुआ तो गवर्नमेंट को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि हमने ये कोर्ट किया कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ही कहा कि हम ये जमीन दे रहे हैं, तो एक साल में कुछ नहीं किया, उल्टा आप इनको उठा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कल ये कहा चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग करके कि नहीं इनकी बात ठीक है, हम ये कानून जो परसों खदशात थे, जो कल रात देर गए तक खदशात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब जोनल कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां और जो दीगर चार तरह की कमेटियां हैं उसको बनाने को मंजूरी दे दी गई है। न सिर्फ कमेटियां बनेंगी बल्कि उनका हद कहां तक होगा, यानी उनकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिपोर्ट कहां तक होगी, वो भी मुकम्मल कर दी गई है। डिविजनल कमेटी को दावा की जाँच पड़ताल और जंगलात के हकूक के रिकॉर्ड की तैयारी का अमल 31 जनवरी 2021 तक या उससे पहले मुकम्मल करनी होगी, ये कल वाजह कर दिया गया। इसी तरीके से जिला सतह की कमेटियां 1-3-2021 तक रिकॉर्ड पर गौर और मंजूरी देगी और जंगल के हकूक के हवाले से बात करेगी। ये भी कहा गया कि एक्ट के तहत जो शेड्यूल ट्राइब और दीगर अपराध को रिहाइश काश्त रोजगार के मकसद के लिए जंगल की जमीन पर हकूक फराहम किए जाते हैं उस पर भी गौर यही कमेटियां जो है वो करेंगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए कमेटियां बन गई हैं और एक्ट के निफाज की अमल आवरी अब आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हो गई है। और फिलहाल जहां तक मुझे लग रहा है कि जो बड़ा खदशा था कि जिस तरीके से बिल्डोजर चलाए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने जहां पर भी इंतजामी कार्रवाई की है हमने अपने हदूद के अंदर अंदर की है, हमने कोई भी गैर कानूनी कदम नहीं उठाया है, हमने वहीं पर कार्रवाई की है जो उन्हें लगा है कि लीगली फिट केस है उसको हटा दिया है। उसके जवाब में हमने देखा कि सियासत और पलट सियासत किस तरीके से